आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 30 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव धर्मपाल सिंह ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। वहीं महासचिव सुनील बंसल को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अश्विनी त्यागी को उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं केंद्रीय समिति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। साथ ही 30 मई से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित महासंपर्क अभियान की तैयारी के लिए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक संपन्न हो गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। वहीं निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो आपको बता दें, कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक हुई है, होनी है। बीजेपी ने शुरू की मिशन 2024 की तैयारियां। कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बैठक होगी, आपको बताई दे। वही निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही, आपको बता दें। साथ ही कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक, क्षेत्रीय बैठक का उद्घाटन करेंगे। वहीं 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है, आपको बता दें। वहीं कानपुर में भूपेंद्र चौधरी बैठक भी करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने 2024 की तैयारियां शुरू कर दी, आपको बता दें। वहीं निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहीं अब लोकसभा चुनाव के लिए भी कमर कस ली है बीजेपी ने। बीजेपी ने 2014 की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर वो अब कानपुर में बैठक भी कर रहे हैं। साथ ही एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है बीजेपी की ओर से, जो एक महीने चलेगा, आपको बता दें, जिसमें वो 9 साल में बीजेपी के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र कानपुर में भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो बैठक करने जा रहे हैं, तो बैठक में क्या कुछ फैसले वो ले सकते हैं। नौ साल बेमिसाल होने के लेकर के कहीं ना कहीं जो रैली 30 मई से लेकर 30 जून तक जो है वो जो 50 रैलियां जिसमें होनी है, उसमें अगर कानपुर में देखा जाए तो उसमें भी रैली कानपुर जो स्थान नियुक्त किया हुआ है कि मोदी जी की रैली कानपुर में होनी है, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी जो है वो आज कानपुर के साकेत नगर मंदाकिनी होटल में बैठक करने आए थे, जिसमें 10 लोकसभा और 52 जो है विधानसभा के जो है कई कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल हुआ। इस बैठक को देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो है उनसे जो है बैठक की जा रही है, क्योंकि मोदी जी की जो रैली है उस रैली को बेमिसाल तरीके दिखाना है और जो मोदी जी के जो 9 साल की उपलब्धियां हैं वो आम जनमानस के बीच पहुंचाना है। ये बीजेपी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है वर्क करेगा इस पर। जी, तो कानपुर में 9 साल में बीजेपी ने जो कार्य किए उसको लेकर क्या कुछ प्रचार प्रसार करेंगे भूपेंद्र चौधरी? जी, आपको लगता है पूरी तरीके से जो है जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 40 से 50 जिले आते हैं, इसमें इन जिलों में लगभग 52 जो है विधानसभा के जो विधायक हैं और उसके बाद 10 इनमें लोकसभा थी जिसमें 10 सांसद हैं, इसको पूरी तरीके से लेकर के जो विधायक है वो अपनी टीम गठित करेंगे, उसको जो है आम जनमानस के बीच में बूथ स्तर के स्तर पर जो है लोगों के पास जाएंगे, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं 9 साल की वो लोगों को बताएंगे पूरी तरीके से। जी, तो अब जो निकाय चुनाव को लेकर कानपुर की जो जनता है वो बीजेपी से क्या कुछ उम्मीद लगा रही है?
की अगर बात निकाय चुनाव की जाए तो 17 की 17 की जो मेयर सीटें हैं वो यूपी की, वो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की होनी मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो आम जनमानस है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उसका डिम्पल यादव कानपुर में लगातार जो है रोड शो किया है उसको महापौर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को लेकर के, पर कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो लास्ट जैकपॉट की बात की जाए तो 9 तारीख को जो है सीएम योगी जी ने रैली की थी, 45 मिनट की जो स्पीच को लेकर बात की जाए तो एक तरफा जो है जो मतदाता है वो पूरी पूरे वोट जो है वो पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिए गए जी। तो क्या कानपुर की जनता 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के साथ देने के लिए तैयार है? ये अगर बात की जाए कानपुर, तो कानपुर लगभग पिछले 28 वर्षों बीजेपी के गढ़ रहा है कानपुर, और पूरी तरीके से जो कानपुर के जो आसपास के जिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग हमको बात की जाए तो 2 दशक से लगातार जो है बीजेपी के गढ़ कानपुर रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए विधानसभा की तो 10 विधायकों में कानपुर में 7 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 विधायक जो है समाजवादी पार्टी के हैं यहाँ पे है। तो बात की जाए तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो है पूरा एजेंडा जो है कानपुर जो माना गया है, क्योंकि यहाँ से लेकर राजनीति जो आसपास के जो 52 जिले हैं उन जिलों में जो है राजनीति कानपुर से होती है। तो जो ये बैठक होनी है उपेंद्र भूपेंद्र चौधरी की, वह कब तक हो सकती है कानपुर में? अगर बात की जो बैठक जो भूपेंद्र चौधरी की बैठक अभी लगातार जारी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो उसमें कुछ वीवीआईपी जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो कुछ विधायक हैं और कुछ लोकसभा सांसद जो है उनकी ओपनिंग मीटिंग करी जा रही है। उसके बाद जो है जिला स्तर पर जो है सारे कार्यकर्ताओं को जो है बूथ बाई बूथ और विधानसभा बाई विधानसभा और हर विधायक जो है हर घर घर जा करके मोदी जी की उपलब्धियां जो है वो बताएगा उनको जी। तो जो ये बैठक कर रही भूपेंद्र चौधरी, इसमें क्या कुछ मूल मंत्र देगी अपने कार्यकर्ताओं को? अगर बात की जाए तो जो बैठक जो है प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की दी गई है, क्योंकि इस बैठक को लेकर के जो प्रबुद्ध वर्ग है वो युवाओं को लेकर के किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे इस बात को लेकर के लोगों के पास पहुंचेंगे, मोदी जी की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को गिनाना बताना है कि किस तरीके से लेकर बात की जाए विकास कार्यों की, तो कानपुर में अगर स्मार्ट सिटी माना जा है उसके बाद भी अगर बात की जाए तो विकास कार्यों को लेकर के केंद्र सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कानपुर में मिले हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मोदी जी जो पहली बार मोदी काम सबसे ऐतिहासिक रैली जो है वो कानपुर में हुई जी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद उपेंद्र। तो वहीं कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं भूपेंद्र चौधरी, आपको बता दें, जिसको लेकर वो कानपुर में बैठक करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। अगले महीने राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसी भर्ती परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने UP SSSC वीडियो परीक्षा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा कि UP SSSC के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियम अनुसार ओबीसी के 27% की जगह केवल 9.5% पद प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आती है। तो आपको बता दें बीजेपी सरकार ओबीसी का हक मार रही है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। तो आपको बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा UP SSSC में जहां ओबीसी के आरक्षण को घटाकर 9.5% कर दिया गया है, आपको बता दें, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ट्वीट कर निशाना साध रही है UP SSSC को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? जी ईसा, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से UP SSSC का कहीं ना कहीं विज्ञापन निकाला गया है और विज्ञापन को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर कहीं ना कहीं आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो आमतौर पर आरक्षण का प्रावधान है 27%, उसकी जगह कहीं ना कहीं
आरक्षण का जो प्रावधान है उसको पूरी दरकिनार करके और महज 9.5% पद पर प्रकाशित किया गया है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गई है। अगर बात करें तो साफ तौर से अखिलेश यादव अपने ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं विभाग को इस बात से अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको संज्ञान में लेकर और तत्काल इसको फेरबदल किया जाए। साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इसको लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि लगातार ओबीसी के बेटरमेंट यानी कि बेहतरी की बात करते हैं मगर हक हक मारने का सिलसिला जारी है और भाजपा पर साफ तौर पर आरक्षण विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द सही किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 23 मई से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और आने वाले समय में लगभग 1468 पदों पर भर्ती होनी है और इसमें 129 सीट ओबीसी के लिए रखी गई है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये मामला सियासती हो गया है और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 2024 में घेर सकती है बीजेपी को इस मुद्दे को लेकर सपा पार्टी। जी बिल्कुल, साफ तौर से इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अगर ओबीसी का हक मारने के खिलाफ आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन भी करेंगे और उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि आरक्षण विरोधी सोच का हर बार सामाजिक न्याय आड़े आती है और आने वाले समय में अगर 27% की जगह 9.5% आरक्षण दिए जाएंगे तो हम इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ओबीसी का हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और भाजपा आरक्षण की विरोधी सोच है और सामाजिक न्याय की आड़े आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी और साथ ही साथ आयोग पर बड़ा हमला बोल रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता है, आयोग नहीं सुनता है, तो बड़ा आंदोलन करेंगे। जी तो सपा पार्टी ने अभी निकाय चुनाव में हाल ही में इस ओबीसी के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को घेरा था, लेकिन इसका क्या परिणाम रहा वो सबके सामने है, तो क्या अब इसका कोई फायदा मिलेगा? ये बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का जो हाल एक उनके राजनीतिक पैतरा होता है उसमें कहीं ना कहीं एमवाई फैक्टर के साथ साथ ओबीसी और एससी समाज को साधने का प्रयास कर रही है। उसी क्रम में अब कहीं ना कहीं आरक्षण की बात करते हुए नजर आ रही है तो निश्चित तौर पर ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी मुद्दा भी बन सकता है। जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विवांशु। वही बीएसपी ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान चलाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को गांव-गांव वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव तक संगठन को मजबूत करने और निकाय चुनाव की सभी कमियों को दूर करते हुए मिशनरी लक्ष्य में जुटने की अपील की है। इससे पहले बृहस्पतिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी की थी। वहीं 22 मई को प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की जो समीक्षा बैठक होगी निकाय चुनाव परिणाम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, वहीं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में शामिल होंगे। समीक्षा बैठक के साथ लोकसभा चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु जो कांग्रेस है वो अब चुनाव कई बार हार चुकी है लेकिन उसके बाद भी अब समीक्षा बैठक हुई है, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसमें? जी ऐसा आपको बता दें कि हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, खासकर पश्चिम में अगर बात करें, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चुनाव काफी अहम था, लेकिन आशा अपेक्षा के अनुसार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ये चुनाव के जो नतीजे हैं वो साबित नहीं हो पाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो प्रदेश के अंदर में अगर 2017 के निकाय चुनाव की तुलना करें तो एक बेहतर स्थिति में नहीं आ पाई है, जिसको लेकर आने वाले 22 मई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष नसरुद्दीन सिद्दीकी
दूसरे प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे समेत तमाम क्षेत्र के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे और कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हार की कमियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ जो बेहतर जिन सीटों पर रनर अप रहे हैं या तीसरा पोजिशन रहा है वहाँ के जो पदाधिकारी रहेंगे उनकी भी जिम्मेदारियों को तय की जाएगी। और 2024 चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी अगर देखें पूरी दमखम लगाकर जुटी हुई है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल और कर्नाटक में निश्चित तौर से कांग्रेस को एक लाभ मिला है, दो जगह सत्ता में आई है दो राज्यों में। अब कहीं ना कहीं देखें तो 2024 चुनाव से पहले तीन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 चुनाव के लिए ये बैठक काफी आम भी हो सकती है, क्योंकि समीक्षा बैठक में माना जा रहा है कि 2024 को लेकर एक जिम्मेदारियों को बांटा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 मई को जब ये बैठक होती है तो किन किन नेताओं को क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जी तो कांग्रेस अब इस बैठक में विभांशु ऐसे क्या कदम उठा सकती है जो 2024 के इलेक्शन के लिए उनके लिए कुछ फायदेमंद साबित होगी। जी इसमें साफ तौर से देखें तो एक सेक्टर वाइज मंडल स्तर पर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं दिया जाएगा कि आखिर किन नेता को किस आधार पे काम करना है, और मंडल स्तर पर कहीं ना कहीं पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी जिससे चुनाव को अपने पाले में कांग्रेस पार्टी कर सके। जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। वही यूपी में निकाय चुनाव के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी समरसता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत जन जन तक पहुंचने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत से करेंगे। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए समरसता अभियान करने जा रही है। तो आपको बता दें जन जन तक पहुंचने के लिए जो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, आपको बता दें। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, तो ये लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां शुरू हो चुकी है, वहीं यूपी में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए ये बैठक की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ चीजें हैं इसमें? ऐसा अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल भी इसमें पीछे नहीं है। एक बार फिर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक बार अपने पिता और अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, अपने पिता अजीत सिंह के मार्ग पर चलते हुए बागपत से अपने समरसता रैली की शुरुआत कर रहे हैं। इस रैली की शुरुआत अगर बात की जाए तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा की गई थी, और एक बार फिर उनके पोते जयंत चौधरी एक बार फिर उस रैली को शुरुआत कर रहे हैं। इसमें कई बड़े नेता आरएलडी के शिरकत करेंगे। अगर बात की जाए तो आज सुबह 10 बजे जैन धर्मशाला पहुंचकर जयंत चौधरी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 11 बजे अगर बात की जाए तो पांची गांव में जाकर जनता से मुलाकात किए हैं, और 12 बजे से अगर बात की जाए तो चमरावल गांव में किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी 8 गांव में जाएंगे जहां विभिन्न खाप पंचायत के नेताओं से मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखें तो बागपत से ही कहीं ना कहीं आरएलडी की शुरुआत हुई थी, और बागपत से ही पहली दफा पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह वहीं से कांग्रेस के सिंबल पर सांसद बने थे। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं अपने पुरानी पैतों पर आरएलडी लौटी। अब देखने वाली बात ये होगी कि समरसता रैली अब प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाएगी, और देखने वाली बात ये होगी कि अभियान से आरएलडी को कितना लाभ होता है वो चुनावी नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। जी तो जो 2024 में सपा और आरएलडी साथ में जो चुनाव लड़ेगी तो उससे बीजेपी पर क्या कुछ असर पड़ेगा? जी साफ तौर से अगर देखा जाए तो अभी अगर देखें
तो नगरी निकाय चुनाव हुए जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच खटास की बात सामने आई थी और कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पे नजर नहीं आए हैं। और अभी अगर बात करें तो दोनों दलों के किसी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर सियासी अटकलें लगाई जा रही है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आते हुए नजर आ रही है और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जयंत चौधरी हाथ मिलाकर अब 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताया कि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आने वाले दिनों में साथ मिलकर और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक जो 2024 को लेकर एक सेट बनाने की कयास लगाए जा रहे हैं वो लगाते या नहीं लगाते वो आने वाला समय बताएगा। जी जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। वहीं माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। प्रयागराज पुलिस शाइस्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने वाली है। उमेश पाल हत्याकांड को आधार बनाकर शाइस्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मुकदमा दर्ज किया गया। शाइस्ता परवीन के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें उन पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। वहीं 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन मौजूदा समय में फरार चल रही है। अगली खबर गाजीपुर से है जहां सड़क निर्माण को लेकर विधायक और अभियंता के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। सड़क निर्माण को लेकर विधायक और पीडब्ल्यूडी अभियंता के बीच फोन पर हुई नोकझोंक का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला जखनिया क्षेत्र के शादियाबाद जखनिया मार्ग की मरम्मत का है। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण को लेकर सुबह सपा विधायक बेदी राम पीडब्ल्यूडी के अभियंता से पेपर की मांग कर रहे थे, जबकि अभियंता विधायक को सड़क निर्माण से संबंधित पेपर देने से साफ मना कर रहे हैं, जिसको लेकर ये विवाद हुआ है। 3 दिन पहले जो है टेलीफोन पर बात हुई थी कि एमबी चाहिए, तो हमने कहा एमबी जो है काम के बाद यही करता है, जब काम से संतुष्ट रहता है तो एमबी करता है। तो एमबी की बात हमने कहा डीएम साहब से कहेंगे तो मैं दे सकता हूँ, या जांच अधिकारी जब नियुक्त होते हैं वो मांगते हैं तो दिया जाता है, और किसी को देने का कोई राइट नहीं है, यही बात है। उसके अलावा सरकारी काम में बाधा को लेकर जी हाँ, उनके आदमियों द्वारा बार बार जाके काम रोका जाता है कि ये दीजिए कागज, वो दीजिए और एमबी दीजिए। तब का हमने कहा जांच आप कभी भी हो सकती है, जांच के लिए आपने लिख भी दिया है, जांच एक सतत प्रक्रिया है, एक आम नागरिक भी जाँच करा सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं हमको एमबी चाहिए। हमने कहा एमबी तो बगैर जाँच अधिकारी के हम नहीं दे सकते हैं। वही राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के पास थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में जियामऊ पेट्रोल पंप पर युवती के अपहरण का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवती रात करीब 1:30 बजे हयात होटल से एयरपोर्ट के लिए निकली थी, जिसे इर्टिगा कार से आए बदमाशों ने कैब ड्राइवर को मारपीट कर अगवा कर लिया। ड्राइवर पिटाई के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती हुआ है। फिलहाल पुलिस 3 युवक एक युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं यूपी के बाराबंकी जनपद के थाना फतेहपुर नईमाबाद गांव से है जहां नाबालिग लड़के का शव आम के बाग में संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। परिजनों ने गांव के रहने वाले अनु वर्मा और उसके परिजनों पर हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के रहने वाली अनु वर्मा से प्रेम प्रसंग होने के कारण उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। वही परिजनों ने थाने पर लिखित तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हम जानते कि जो कोई काम हो औरत वह बुलाती थी हमरे लड़को को काम करवाने को, जो घर में काम ची बिगड़ जाते वो हमरे लड़के को बुला लेते फोन करते तो तुरंत ही हमारे लड़का के यहाँ काम करे चला जाते। ये हम एडिया लगाई थी हमरे लड़का का मारी वह क्या नाम है इसका? इसका नाम अंजू देवी नाम अंजू वर्मा। आपका क्या नाम? हमारा नीलम नाम है। आज रात 10 बजे निकला है वो भाका फसला कर वो वर्मा के लोगों ने उसको बुला ले गए और वहाँ पर गला दबा कर मार दिया। कौन वर्मा कहाँ रहते हैं? ये हमारे गांव के हैं राम सेवक के लड़के जी, छोटे लाल पुत्र राम सेवक और सुरेश चंद पुत्र राम सेवक, राकेश कुमार पुत्र राम सेवक और उनकी रामचरित की औरत जी, इन्हीं लोगों ने
ले जा कर के उसको मार दिया। नहीं तो क्यों मारा, इसका क्या कारण है, हो सकता है इसके घर का आना जाना। वहीं आज वट सावित्री अमावस्या के मौके पर सुबह से ही सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। बता दें कि वट सावित्री अमावस्या ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रख कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। मान्यता है कि आज के दिन सावित्री ने वट अमावस्या पर पूजा कर अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा की थी, तभी से इस अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। आज ये कानपुर और औरैया की तस्वीरें देख रहे होंगे आप, जिसमें महिला पूजा करती नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं औरैया में जहां पेड़ की पूजा करती हुई महिलाएं दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में भी वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हुई महिलाएं दिख रही है। वहीं दूसरा ये विजुअल जैसा कि आप देख सकते हैं कानपुर का है। आपको बता दें वट सावित्री के को लेकर महिलाओं में मान्यता देखी जाती है, इसको जिसको लेकर पत्नी अपने पति को लेकर व्रत रखती हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।